जय श्री श्याम। प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती एडुकेयर सेंटर पर। तो बेटा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपने इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक किया था, नाम था इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स। आज भी उसी टॉपिक को थोड़ा सा और आगे लेके चलेंगे और उसी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोग करेंगे। क्वेश्चन का नाम है, कैन अ सेम गुड मे बी इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स। क्या एक ही वस्तु मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तु दोनों हो सकती हैं? बट क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं बेटा, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो साथ में बेल आइकन है बेटा, उसको आप जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। वीडियोस पसंद आती हैं तो बेटा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और इन वीडियोस को लाइक और कमेंट जरूर करें। तो बेटा स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो देखिए बेटा, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बड़ा अच्छा सा टॉपिक ये होने वाला है। टॉपिक का नाम है सेम गुड्स मे बी इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स। बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, मैक्सिमम 3 मार्क्स में ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या एक गुड्स एक टाइम पे इंटरमीडिएट गुड्स और दूसरे टाइम पर फाइनल गुड्स हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है? आपको क्या लगता है कि एक ही गुड्स को हम एक टाइम पर इंटरमीडिएट गुड्स और दूसरे टाइम पर फाइनल गुड्स कह सकते हैं, और अगर कह सकते हैं तो बेटा किस कंडीशन में? ठीक है, तो इसका जो आंसर होता है बेटा वो होता है यस, अ सेम गुड्स मे बी इंटरमीडिएट गुड्स एज वेल एज फाइनल गुड्स। इट डिपेंड्स ऑन इट्स अल्टीमेट यूजेज और एंड यूजेज, या फिर आप कह सकते हो एंड यूजर के ऊपर डिपेंड करता है उस गुड्स के, कि वो गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगी या फिर फाइनल गुड्स। हमें देखना होता है कि बेटा उस गुड्स का एंड यूज क्या हो रहा है। अगर उस गुड्स का एंड यूज किसी कंज्यूमर की वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए किया जा रहा है, देन इट इज कॉल्ड फाइनल गुड्स। और अगर उसी गुड्स का जो एंड यूजेज है वो किसी दूसरी गुड्स को बनाने के लिए किया जा रहा है, तो वो फिर इंटरमीडिएट गुड्स है। इन द सेम मैनर हम लोग कह सकते हैं कि अगर एक गुड्स का जो एंड यूजर है अगर वो हाउस होल्ड है, कंज्यूमर सेक्टर है, तो बेटा वो फाइनल गुड्स कहलाएगी, और अगर एक गुड्स का एंड यूजर जो है प्रोड्यूसर सेक्टर है तो वो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगी। तो इसका मतलब हमें वो गुड्स ढूंढनी पड़ेगी जिसकी डिमांड हाउस होल्ड भी करता है और जिसकी डिमांड प्रोड्यूसर सेक्टर भी करता है। तो ऐसे बहुत सारे गुड्स है बेटा, इसीलिए हम कहते हैं सेम गुड्स कैन बी इंटरमीडिएट गुड्स एज वेल एज फाइनल गुड्स। इट डिपेंड्स ऑन इट्स अल्टीमेट यूजेज। फिर यहां पर हमें इसको बेटा एग्जांपल की हेल्प से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इसमें जो सबसे पहला एग्जांपल है बेटा, वो आप शुगर का दे सकते हैं। जैसे शुगर की डिमांड अगर एक हाउसहोल्ड सेक्टर करता है तो वो अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए करेगा। उस शुगर से वो क्या करेगा बेटा, चाय बनाकर पी लेगा, उसको मिल्क में ऐड करके पी लेगा। बट यहीं पर जब उस शुगर की डिमांड एक टी मेकर के द्वारा की जाती है, स्वीट मेकर के द्वारा की जाती है, देन द शुगर सेम गुड्स विल बी कॉल्ड एज इंटरमीडिएट गुड्स। क्यों बेटा? क्योंकि वो उससे चाय बनाकर या मिठाई बनाकर लाभ कमाएगा। इसी तरीके से बेटा आप एक और एग्जांपल दे सकते हैं, वो होता है रो वेजिटेबल्स। रो वेजिटेबल्स क्या होती है बेटा? कच्ची सब्जियां। कच्ची सब्जियों की डिमांड हाउस होल्ड भी करता है बेटा, और एक रेस्टोरेंट या ढाबे वाला भी करता है। अगर कच्ची सब्जियों की डिमांड रो वेजिटेबल्स की डिमांड एक हाउस होल्ड करता है, तो वो किसके करेगा बेटा? वो अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए करेगा, वो अपनी वांट्स को फुलफिल करने के लिए करेगा। जबकि उसी रो वेजिटेबल की डिमांड जब एक रेस्टोरेंट या ढाबा वाला करेगा, तो वो किस लिए करेगा? वो उस रो वेजिटेबल से बेटा आगे सब्जियां बनाकर लाभ कमाएगा। देन द सेम रो वेजिटेबल इज कॉल्ड आपका इंटरमीडिएट गुड्स। क्लियर है बेटा? तो दिस इज हाउ वी कैन से अ सेम गुड्स कैन बी इंटरमीडिएट गुड्स एज वेल एज फाइनल गुड्स। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल मैंने दिए बेटा। अगर आपको इसी तरीके के कोई और एग्जांपल आते हैं तो बेटा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज की क्लास में केवल इतना ही।
अब मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेटा जय श्री श्याम।